हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फो चैनल पे। तो आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो पर आपका बजट है सिर्फ 1 लाख रुपए, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको 1 लाख रुपए के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी अच्छी कंपनी से आ रहा है और काफी एफिशियंट इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। इसके अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी 51.2 वोल्ट/30 एम्पीयर/आवर की देखने को मिलती है। इसकी रेंज 82 किलोमीटर, टॉप स्पीड 45 किलोमीटर/आवर और चार्जिंग टाइम है 4 to 5 आवर्स। इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो है 550 से 1200 वॉट का। इसके अंदर आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स के टायर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में इसके अंदर पोर्टेबल बैटरी का भी ऑप्शन है जो आप ले सकते हो इजीयर चार्जिंग के लिए। और इसके अंदर दूसरे फीचर्स भी है जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रीजन ब्रेकिंग एक्सेट्रा। आपको ये हीरो ऑप्टिमा CX 85,190 रुपीज में मिल जाएगा। सेकंड आता है आईवूमी S1। इसके अंदर जो आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है वो 4.2 किलोवाट आवर की और इस बैटरी पैक से आपको रेंज मिलेगी 220 किलोमीटर की। इसकी टॉप स्पीड है 57 किलोमीटर/आवर और चार्जिंग टाइम है 0 to 50% का 2 आवर्स। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा हुआ 2.5 किलोवाट का मोटर और इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इको मोड, राइडर मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स और डिजिटल स्पीडोमीटर भी देखने को मिल जाता है और आपको आईवूमी S1 84,990 रुपीज में मिल जाएगी। तीसरा आता है ओकिनावा प्रेज प्रो। तो इसके अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है 2.08 किलोवाट आवर की और इसमें से हमको रेंज मिलता है 81 किलोमीटर का। इसकी टॉप स्पीड है 56 किलोमीटर/आवर और चार्जिंग टाइम है 2 to 3 आवर्स की। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा हुआ 2.7 किलोवाट का मोटर और अगर फीचर्स की बात करने जाए तो ओकिनावा प्रेज प्रो में आपको एक माइक्रो चार्जर मिल जाता है जिसके अंदर ऑटो कट का फीचर है। साथ ही में दूसरे फीचर देखने जाए तो इसके अंदर मोबाइल यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, एलईडी लाइट्स है, स्टाइलिश एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स है और इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाती है विद रीजन ब्रेकिंग। ओकिनावा प्रेज प्रो आपको पड़ेगी 99,645 रुपीज की। नंबर 4 पे एम्पियर जील EX। इसके अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है 2.2 किलोवाट आवर की, रेंज मिलता है 120 किलोमीटर का और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर/आवर और चार्जिंग टाइम 5 आवर्स की। फीचर्स की बात करने जाए तो इसके अंदर 1.2 किलोवाट का BLDC हब मोटर देखने को मिलता है और इसकी सबसे खास बात है इसका 145 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। आपको एम्पियर जील EX 96,000 रुपीज में मिल जाएगी। पांचवा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है ओडेसी रेसर। ओडेसी रेसर में आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 72 वोल्ट/28 एम्पियर आवर की। इसका रेंज है 70 किलोमीटर का और टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर/आवर। इसका चार्जिंग टाइम है 5 आवर्स का और अगर फीचर्स की बात करने जाए तो इसके अंदर आपको काफी लार्ज स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, एक डिजिटल स्पीडोमीटर है, फ्रंट पॉकेट है, हुक है, इजी USB चार्जिंग और 3 ड्राइविंग मोड के साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है। इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है 1.2 किलोवाट का और इसकी पीक पावर है 1.5 किलोवाट की। आपको ये ओडिसी रेसर 70,500 रुपीज में मिल जाएगा। सिक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1। इसकी बैटरी कैपेसिटी 1.9 किलोवाट आवर की, रेंज देते 85 किलोमीटर का, टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर/आवर की और चार्जिंग टाइम है 4 आवर्स। फीचर्स की बात करने जाए तो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि IPV6 रेटेड है और इसका बैटरी वाटरप्रूफ है और काफी ट्रस्टेबल है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लगा हुआ है 1.5 किलोवाट का BLDC मोटर और आपको बाउंस इन्फिनिटी E1 मिल जाएगी 89,000 रुपीज के अंदर। सेवन इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है कोमाकाई फ्लोरा। इसकी बैटरी कैपेसिटी 51 वोल्ट/19.3 एम्पियर आवर की, इसमें रेंज आपको 80 to 100 किलोमीटर की देखने को मिलती है, टॉप स्पीड है 24.9 किलोमीटर/आवर की, चार्जिंग टाइम है 0 to 100% 4 hours 55 minutes। फीचर्स की बात करने जाए तो इसके अंदर आपको लिथियम PO4 बैटरी देखने को मिलती है। इसके अंदर अलग अलग राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स मोड और टर्बो मोड। इसके अंदर LED हेडलैम्प्स, LED DRL भी देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल फीचर भी है। आपको कोमा की फ्लोरा पड़ेगी 79,000 रुपीज की। एट इलेक्ट्रिक स्कूटर वो है ओकाया फास्ट F2F। इसके अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है 60 वोल्ट/36 एम्पियर आवर, मींस 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसमें से रेंज मिलेगा 70 to 80 किलोमीटर की, टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर/आवर और चार्जिंग टाइम है 4 to 5 आवर्स। अगर हम इसके फीचर्स की बात करने जाए तो इसके अंदर मोटर लगा हुआ है 800 वॉट का और इसकी पीक पावर है 1.2 किलोवाट की। इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर लिथियम आयन LFP बैटरी लगी हुई है और आपको ये ओकाया फास्ट F2F पड़ेगा 99,000 रुपीज की। तो ये थे 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि अंडर 1 लाख के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे चीप इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी मैंने इस वीडियो में बताए सारे अच्छे हैं, कोई भी मैंने इसको ऑर्डर के रूप में रैंक नहीं किया हुआ है, तो ये लिस्ट कंप्लीटली अनरैंक्ड है। पर ये कुछ 8 बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको अंडर 1 लाख रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगे अगर आपका बजट अंडर 1 लाख का है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।